हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एक्शन पर स्वागत है। हमारे चैनल पर हम वो छोटी से छोटी बारीक चीज़ें डिस्कस करते हैं जिनका महत्व बहुत है पर कोई डिस्कस नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना वीडियो। आज का हमारा सवाल है कि हमें कौन से स्टॉक्स होल्डिंग्स के लिए रखना चाहिए, कौन से स्टॉक्स इंट्राडे के लिए रखने चाहिए। अभी बताता हूँ। ट्रेडर्स 150 के जो ऊपर वाले स्टॉक्स हैं और 150 के जो ऊपर वाले स्टॉक्स हैं, आप हमेशा उसी स्टॉक्स में ट्रेड करिए। उससे क्या होता है कि आपको मतलब आपकी सारी स्ट्रेटजी ठीक काम करेगी। 150 के जितने ऊपर वाले स्टॉक्स हैं उनमें, और 1500 के जो नीचे स्टॉक्स 1500 के जो नीचे स्टॉक हैं आप उनमें ट्रेड करिए। 150 के ऊपर, 1500 से नीचे, इनके बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी सारी स्ट्रेटजीज सही काम करेंगी और आपका टेक्निकल एकदम ठीक बैठेगा। और बाकी सब जो जो प्राइस हैं, जैसे ये बड़े बड़े प्राइस हैं, जैसे 1500 के ऊपर जो प्राइस हैं, वो आप होल्डिंग्स के इस्तेमाल करिए। होल्डिंग्स के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप अगर होल्डिंग्स के लिए वो सारे स्टॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा प्राइस, मतलब आपका मनी एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे ये ऑफलाइन है, मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूँ। सॉरी, नेट नहीं ऑन था। ओपन ऑनलाइन। जैसे निफ्टी 50 के ये शेयर्स हैं, तो टाटा मोटर्स 150 के ऊपर है, तो हम इन स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और जैसे 1312 का है, ये L&T का स्टॉक, इसमें भी हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो HDFC है 2430 रुपये, इनको हम होल्डिंग्स के लिए रख सकते हैं। होल्डिंग्स में हमारा जो है पैसा बचा रहेगा, एक तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। बस और देखिए, अडानी पोर्ट्स में इंट्राडे कर सकते हैं, UPL में कर सकते हैं इंट्राडे, एक्सिस बैंक में कर सकते हैं, ITC में कर सकते हैं, IOC में नहीं कर सकते क्योंकि ये 150 के नीचे वाला स्टॉक है। ये मेरा एक अपना मानना है कि 150 के जितने भी नीचे वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपका जो है ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस ठीक नहीं बैठता है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कि ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस ठीक नहीं काम करता। जैसे नेस्ले इंडिया है 14,800, अगर आपको पैसे मतलब सिक्योर करके म्यूचुअल फंड में, जैसे आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वैसे आपको स्टॉक उसी तरीके के साथ, आपको अगर स्टॉक मार्केट यूज़ करना है तो आप ऐसे जैसे नेस्ले इंडिया है, इसको बाय कर सकते हैं। ईचर मोटर है, तो इनके प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे तो 100 रुपये, घटेंगे तो 100 रुपये, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है वो सेव रहता है। और थोड़ा आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें अगर आप इंट्राडे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप होल्डिंग्स को लेके चलें तो बेस्ट है। जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं 10,000-20,000 वाले, 4,000-5,000 वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कंजूसी मत करिए शेयर करने में।
शेयर करिए नॉलेज. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.